ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री सहित देश विदेश के नामी निवेशकों के स्वागत के लिए धर्मशाला शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शहर की दीवारों पर रंग बिरंगे रंगों के ऐतिहासिक कांगड़ा पेंटिंग बनाई जा रही है। धर्मशाला शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांगड़ा पेंटिंग को दीवारों पर किया जा रहा हो। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री सहित देश विदेश के नामी निवेशकों के स्वागत के लिए धर्मशाला शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए शहर की दीवारों पर रंग बिरंगे रंगों से ऐतिहासिक कांगड़ा पेंटिंग बनाई जा रही है। धर्मशाला शहर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांगड़ा पेंटिंग को दीवारों पर किया जा रहा हो। इससे पहले अति दुर्लभ और विशेष प्राकृतिक रंगों से की जाने वाली पेंटिंग को कनेवश पर ही कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उतारा जाता है। गांधी नेहरू वाटिका, बस स्टैंड, कोतवाली बाजार चौक, पुलिस थाना धर्मशाला की सुंदरवादियों को पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर दीवारों पर राधा कृष्ण की अटखेलियों की पेंटिंग बनाई गई है, जिसने अभी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। शहर में आने वाले लोग बड़े उत्साह से पेंटिंग को निहार रहे हैं और पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों की प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही पेंटिंग के साथ सेल्फी व फोटो भी ले रहे हैं। शहर के सभी विभागों, चार दीवारियों, मुख्य पार्कों और बाजारों और महत्वपूर्ण स्थानों को लाइटिंग व खूबसूरत रंगों से सजाया गया है। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण स्थानों में पेड़ पौधों में भी खूबसूरत लाइटिंग की गई है, जिससे शहर जगमग हो गया है। सड़कों, दीवारों के साथ पार्कों को भी खूब सजाया जा रहा है। शहीद स्मारक और विवेकानंद पार्क को भी पूरी तरह से चमका दिया गया है। साथ ही साथ गग्गल हवाई अड्डे से लेकर मैक्लोडगंज तक सड़कों की मुरम्मत व लिपाई पुताई करके चमका दिया गया है। शहर को कांगड़ा की सुंदर पेंटिंग में तो कहीं सड़कों के किनारों में लगे पेड़ पौधों को रंग बिरंगी चमकती लाइटों से सजाया गया है। शहर में 27 अक्टूबर की दिवाली के बाद एक बार फिर से दिवाली की रौनकें लौट आई हैं। क्या नाम है आपका? मैं राघव गुलेरिया हूँ। कहाँ से रहने वाले? मैं हरिपुर गुलेर से हूँ, जहाँ से ये जो कांगड़ा शैली चित्रकला है, इसकी जन्म स्थली जो है वो गुलेर है। 18वीं शताब्दी के मध्य में ये तस्वीरें जो हैं, ये चित्र बनने शुरू हुए थे गुलेर में। तब के सबसे बड़े चितेरे थे पंडित सेऊ और उनके दो बेटे थे, बड़े वाले मानकू और छोटे वाले नयनसुख। उन दोनों ने ये परंपरा शुरू की थी गुलेर में, और धीरे धीरे करके ये पूरे कांगड़ा के जो 38 सेंटर्स हैं, जिनमें बसोली से लेकर दमताल से होते हुए, रामगोपाल मंदिर से होते हुए, ब्यास नदी के दोनों तटों पर परागपुर, गरली और सुजानपुर टीहरा तक ये चित्र चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। आप धर्मशाला में यहाँ दीवारों पर जो है पेंटिंग कर रहे हैं, ये कौन सी पेंटिंग है और क्या मतलब है? सर, ये कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है और ये दीवारों पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पे अभी पीएम साहब आने वाले हैं, तो उसी के लिए ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। जी सर। तो क्या खासियत है इन पेंटिंग्स की? सर, कांगड़ा पेंटिंग खासियत ये है कि ये नेचुरल कलर और सीट के ऊपर बनती है, बट ऐसा है कि यहाँ पे हम दीवारों के ऊपर करें और इसको अच्छे कलर से यूज़ करें इसमें, और ये ज़्यादा देर तक टिकेगी पेंटिंग्स, और ये प्लास्टिक वर्क पेंटिंग हो रही है जी। मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं दिल्ली से हूँ। धर्मशाला घूमने? हाँ जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये यहाँ स्टे करते हैं। आज जो आप धर्मशाला आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे मुझे नया आर्ट देखने को मिला। ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं और उनका जो आर्टिस्ट हैं, उनकी मेहनत देख रहे हैं कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और कितना अच्छा बना रहे हैं। तो आप इन ये पेंटिंग्स हो रही हैं दीवारों पे, आप इनके बारे में जानते हैं? नहीं, इतना तो नहीं, इतना पता है, इनसे पता लगा कि ये कांगड़ा आर्ट है, और हम वैसे चलते हैं तो देखते हैं कि पेंटिंग्स कितनी अच्छी लग रही हैं, पर इसके पीछे कितनी मेहनत हो रही है, ये सब मैंने आज देखा है।